हमारी सेना और सुरक्षा बल देश से नक्सलियों का खात्मा करने के लिए तरह तरह के सर्च अभियान चला रहे हैं। वे लगातार देश में छिपे नक्सलियों को जहन्नम का रास्ता दिखा रहे हैं। बावजूद इसके नक्सली संगठन छिपकर वार करने से बाज नहीं आ रही है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को उड़ीसा के नौपड़ा जिले के पथधारा क्षेत्र में नक्सलियों ने अपनी कायराना हरकतें दिखाते हुए हमारे जवानों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि कायर नक्सलियों ने जवानों पर तब हमला किया जब वे सामान के साथ एक कैंप से दूसरे कैंप जा रहे थे, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और कायर नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए, लेकिन इस हमले में हमारे 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्हीं में से एक जवान बिहार के रोहतास जिले के धर्मेंद्र हैं। बताते चले कि अमर बलिदानी धर्मेंद्र रोहतास जिले के सरैया गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता किसानी करते हैं। वीर सपूत धर्मेंद्र 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग मोकामा में हुई थी। वह भी उड़ीसा के नौपड़ा जिले में तैनात थे, जहां नक्सलियों से लोहा लेते हुए बहादुर धर्मेंद्र ने माँ भारती को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वीरगति को प्राप्त हुए जवान की पत्नी ने कहा कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे ही उसकी बात हुई थी। धर्मेंद्र ने कहा था कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, लौट कर आने पर बात होगी। शाम करीब 4 बजे पता चला कि वो अब नहीं रहे। उनकी शहादत की सूचना मिलते ही उनके गांव सरैया में मातम फैल गया। उनके जानने तथा चाहने वाले लोगों की भीड़ शहीद जवान के घर पर इकट्ठी हो गई। बलिदानी धर्मेंद्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की शादी वर्ष 2005 में आशा देवी से हुई थी। उनका 12 साल का एक बेटा है और 10 साल की बेटी है। दोनों मासूम बच्चे अपने पिता के बलिदानी होने की सूचना के बाद से ही बेसुध हैं। उनकी पत्नी बदहवास है। बता दें कि धर्मेंद्र पूरे परिवार का एकमात्र सहारा थे। बुजुर्ग माता पिता से लेकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। उनके पिता रामायण सिंह के आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने बुढ़ापे का सहारा छिन जाने का उन्हें काफी दुख है, लेकिन अपने पुत्र के सर्वोच्च बलिदान पर उन्हें गौरव भी है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नक्सलियों ने किसी जवान को अपनी कायराना हरकतों का निशाना बनाया हो। ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं। अब इन मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होने तथा इन्हें रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।